यहाँ तो हम लोग बिहार से 40 से 40 सीट देंगे जीत के और 400 पार होंगे हम लोग। उनके अदालत में मैं आज जा रही हूँ अपना फरियाद लेके। अभियान का शुरुआत की है, क्या कुछ कहेंगे? आज का शुभ मुहूर्त है, अपने क्षेत्र में मैं जा रही हूँ। राजनीतिक करियर जो मेरा है 2001 से, मैं जिला परिषद के सदस्य रही, अध्यक्ष रही, उसके बाद गायघाट से विधायक, उसके बाद सांसद और फिर चुनावी क्षेत्र में। आज का मेरा शुभ मुहूर्त है, आज मैं निकल रही हूँ। सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो हमारे संस्थापक हैं पार्टी के, उनका भी आशीर्वाद ऊपर से है मेरे साथ। माता जी हैं, चिराग जी के जो माता जी हैं, उनका भी आशीर्वाद है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी हम पर विश्वास करके फिर से मुझे टिकट दी है चुनावी क्षेत्र में जाने के लिए, तो उनके विश्वास पर मैं खड़ी उतरूंगी। विकास मुद्दा, विकास का तो बहुत सारा होता ही है क्षेत्र में, तो कितनों विकास कीजिए, विकास अधूरे होता है, हमेशा रहता है जनता के बीच। तो जो भी काम बाकी है, जो अभी तक किए हैं, जो भी विकास बाकी है, वो आगे क्रम में हम पूरा करेंगे। हमें भी दुख है, एगो एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर में नहीं है। एयरपोर्ट के सदन में भी हम आवाज उठाए थे, आप लोग भी सुने थे, आप लोग भी छापे थे, उसको दिखाए थे सभी लोग के बीच में। तो उसका फिर से मेरे प्रयास रहेगा जो एयरपोर्ट हमारे जिला में, पता ही हवाई अड्डा बने। महागठबंधन प्रत्याशी भी आपके सामने है, हमारे वैशाली में कोई लड़ाई नहीं है। हमारा भाई नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरा बार बनेंगे। यहाँ तो हम लोग बिहार से 40 से 40 सीट देंगे जीत के और 400 पार होंगे हम लोग। दृढ़ संकल्प है हमारे पार्टी, हमारे जनता के प्यार बहुत भरपूर मिल रहा है, जनता बहुत खुश है हमसे। हमसे कोई तरह की उनको दिक्कत नहीं है। हम अपने क्षेत्र में हमेशा, आप लोग जानते ही होंगे, 2001 से मैं राजनीतिक में हूँ, हमेशा जनता के बीच सत्यनारायण भगवान के पूजा हो, चाहे छठी हो, चाहे कोई ऐसा शुभ काम हो, चाहे दुख का भी काम हो, जिस समय लोग खोज दिया, मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हूँ, अपना क्षेत्र में घूमते रहती हूँ। आपका राजनीतिक सफर कहाँ से शुरू हुआ? और हमारा राजनीतिक सफर जिला परिषद सदस्य से शुरू हुआ, उसके बाद मैं जिला परिषद के अध्यक्ष बनी मुजफ्फरपुर में, उसके बाद गायघाट के विधायक बनी, गायघाट से बीजेपी के MLA थी, उसके बाद सांसद बने लोक जनशक्ति पार्टी के, 5 साल से सांसद, अभी वर्तमान मैं सांसद हूँ। फिर पुनः हम पर विश्वास करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हमसे, हम पर विश्वास जताए हैं, मैं उनके विश्वास पर खड़ी उतरूंगी। हमारे ऊपर तो हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद है, चिराग पासवान जी के माता जी जो हैं उनका भी आशीर्वाद है, तो पुनः सब हमारे अभिभावक हैं, वो लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, जनता का प्यार आशीर्वाद तो मेरे साथ है। वैशाली क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने क्षेत्र से अपील करना चाहती हूँ कि मतदाता मेरे मालिक हैं, उनके अदालत में मैं आज जा रही हूँ अपना फरियाद लेके, फैसला करना उनका काम है, उनसे यही कहेंगे कि उनको प्रणाम करने आज जा रही हूँ फर्स्ट दिन, वहीं से जहाँ से मेरा समझिए राजनीतिक जन्मभूमि हुआ, राजनीतिक में जहाँ से कदम रखे मैं उसी क्षेत्र में आज जा रही हूँ, 10 नंबर जिला परिषद क्षेत्र जहाँ से मैं शुरुआत की थी, उसी क्षेत्र में आज मेरा भ्रमण है, दौरा है।